हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट 16th फाइनेंस कमीशन। अभी जस्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है फॉर द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द टर्म ऑफ रेफरेंस TOR फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन एंड सेट अ डेडलाइन of October 31st, 2025 for the panel to submit its recommendation। यह एक डेडलाइन दिया गया है for the 16th Finance Commission term of reference कि 31st October 2025 तक उनका अपना recommendation जो है वह यूनियन कैबिनेट को सौंपना है। अब बात हम करते हैं about Finance Commission, आखिर यह फंक्शन कैसे करता है, कैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है, कैसे इसके रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाता है, इन तमाम बातों के को हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो अबाउट फाइनेंस कमीशन हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल 280 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, क्या एम्स रहता है, टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंगेस्ट द स्टेट देमसेल्व्स। कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड बिटवीन अमंग द स्टेट्स, इसका रिकमेंडेशन ये देता है फाइनेंस कमीशन। टू डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कमीशन वर्क इन्वॉल्व फर्स्ट रेड्रेसिंग वर्टिकल इम्बैलेंस बिटवीन टैक्सेशन पावर्स एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स रिस्पेक्टिवली एंड इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट्स। कि इसके दो जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, जो वर्क है अगर कह सकते हैं, तो जो वर्टिकल इम्बैलेंस है इन टैक्सेशन पावर्स और जो एक्सपेंडिचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑन द स्टेट्स गवर्नमेंट्स, उसको कैसे वह रिड्रेस करे एंड इक्वलाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट। कि पूरे इंडिया में अक्रॉस द स्टेट्स जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वह इक्वल हो, जो वर्टिकल टैक्सेस पावर है उसमें भी जो भी ग्रीवांसेस है उसको दूर किया जाए। एंड आफ्टर दैट अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है इसके फंक्शन के बारे में। वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया, एम हो गया, कि इसका एम है कि जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और अमंग द स्टेट्स, उसको वह कंट्रोल करे, उस पर अपना रिकमेंडेशन दे। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस which are to be or may to be divided between them and allocation between the states of respective shares of such proceeds। जो basically जो net tax proceeds है उसको किस तरीके से divide किया जाए between center and states और among the states, इसके लिए वो recommendation देता है। Again the principle which should govern the grant in aid of the revenue of the state out of consolidated fund of India। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को मिलता है उसके प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं। द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेस ऑफ पंचायत्स इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। कि जो स्टेट भी अपना एक अलग फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करता है उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे यह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सप्लीमेंट करता है रिसोर्सेज टू द पंचायत्स। मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट and any other matter referred to the commission by the president in the interest of sound finance। इसके अलावा भी अगर president of India उसे कोई matter refer करते हैं तो भी उस पर वो काम करेगा, उस पर अपना recommendation देगा। अब हम बात करें about the qualification for the members। कि जो finance commission में जो members appoint होते हैं उनका क्या qualification होना चाहिए। mention earlier the finance commission is appointed by president under article 280 of the constitution। jo chairman honge and the members of the commission are selected as per the provision contained in the finance commission miscellaneous provision act 1951
एंड द फाइनेंस कमीशन सैलरीज एंड अलाउंसेस रूल्स 1951 के तहत जो उसमें बेसिकली रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके मेंबर्स और चेयरमैन को सिलेक्ट किया जाता है। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन इज सिलेक्टेड अमंग द पर्सन हु हैव हैड एक्सपीरियंसेस इन पब्लिक अफेयर्स एंड फोर अदर मेंबर्स आर सिलेक्टेड अमंग persons who or have been or qualified to be appointed as a judge of high court, have a special knowledge of finance and accounts of government, have had wide experience in financial matters and administration, and have a special knowledge of economics. तो बेसिकली क्या हुआ, जो चेयरमैन है उन्हें पब्लिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक अफेयर्स का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो अदर फोर मेंबर्स है वो आइदर अपॉइंटेड क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट, और स्पेशल नॉलेज होना चाहिए ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और वाइडर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड हैव ऑल्सो गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, देन ओनली इन्हें फाइनेंस कमीशन का मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन कि कैसे कैसे आप इसका इनका रिपोर्ट आता है। तो अंडर आर्टिकल 281, अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, एंड अंडर आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉज लेइंग द फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट अलॉन्ग विथ एन एक्सप्लेनेटरी नोट एंड द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑन द कमीशन्स रिकमेंडेशन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिकमेंडेशन मेड बाय द कमीशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये बहुत ही याद रखने वाली बात है कि फाइनेंस कमीशन चूंकि 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूट भी किया जाता है, बट स्टिल जो इसका रिकमेंडेशन होता है वह एडवाइजरी होता है, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग नहीं होता है। हाउ आर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन इंप्लीमेंटेड, आखिर ये जो रिकमेंडेशन है जब प्रेसिडेंट उसको बोथ हाउस के सामने पेश करते हैं तो कैसे इसके रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जाता है। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर इंप्लीमेंटेड एज अंडर दोज टू बी इंप्लीमेंटेड बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू इंप्लीमेंट होंगे वो कौन कौन से हैं। रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन टैक्स ड्यूटीज एंड ग्रांट इन एड फॉल इन दिस कैटेगरी। Those to be implemented by executive orders, जो executive के order के through implement होंगे। Other recommendation to be made by finance commission as per its term of reference, कि term of reference के तहत इसके अलावे union tax duties या grant in aid के अलावे अगर उसे कोई और चीज recommend करता है और उसे implement करना है, then उन orders को और उन recommendations को वह executive order पे ही उसे implement किया जा सकता है। So, यह न्यूज में इसलिए बना हुआ था कि रिसेंटली इसका 16th फाइनेंस कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस है, उसे डेडलाइन दे दिया गया है 31st अक्टूबर 2025 को। आई होप आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे इस इनिशिएटिव्स को, आप हमारे टॉपिक्स को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।